सुप्रभात हिमाचल। तो अभी उपस्थित हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार पूर्वक से जानें, आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहां सुबह के मुख्य समाचार। G20 अंतर्राष्ट्रीय फैशन रनवे में हिमाचल की बेटी करेगी देश का नेतृत्व। लद्दाख में होने जा रहे G20 अंतर्राष्ट्रीय फैशन कार्यक्रम में मिस अर्थ इंडिया 2022 की विजेता हिमाचली की बेटी वंशिका परमार भारत का नेतृत्व करेंगी। 23 अगस्त से 3 सितंबर तक होने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय फैशन रनवे में G20 और G20 अतिथि देशों की 26 सुंदरियां भाग लेंगी। इस फैशन रनवे का आयोजन लद्दाख आर्ट एंड एंटरटेनमेंट एलायंस और लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद की ओर से किया जा रहा है। वहीं लद्दाख में इस अंतर्राष्ट्रीय फैशन रनवे का संरक्षक पंकज गुप्ता और मिस अर्थ इटली ग्यूलिया रगाजिनी के नेतृत्व में आयोजन हो रहा है। यह कार्यक्रम लद्दाख में उमलिंगा पर करीब 19,000 फीट की ऊंचाई पर सबसे ऊंचा फैशन रैंप है। इस इवेंट को एक डॉक्यूमेंट्री का रूप भी दिया जा रहा है। उफनाए रपटे में फंसी यात्रियों से भरी हिमाचल रोडवेज की बस कुछ छत पर चढ़े, किसी ने कूद कर बचाई जान। हिमाचल प्रदेश से देहरादून आ रही रोडवेज की बस रपटे पर पानी के तेज बहाव में फंस गई। बस में सवार 30 यात्री घबराकर छत पर चढ़ गए और कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची पुलिस ने यात्रियों को बहाव से निकाला और फिर बस को ट्रैकर से बाहर किया। इस दौरान करीब आधे तक यात्री बस की छत पर फंसे रहे। वहीं पिछले सुबह से ही हो रही तेज बारिश के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में सभी नदी नाले भी उफान पर थे। शिमला बाईपास रोड स्थित रामगढ़ गांव के रपटे में भी तड़के से पानी का तेज बहाव था। सभी वाहनों को पुलिस और स्थानीय लोगों ने दोनों तरफ रुकवा दिया था। फोर लेन पर मलबा दिखा तो ब्लैकलिस्ट होगी कंपनी, NHAI ने जारी किया आदेश। हिमाचल प्रदेश में फोर लेन निर्माण के दौरान मलबे के ढेरा बर्दाश्त नहीं होंगे। NHAI ने निर्माता कंपनी को सख्त निर्देश दिए हैं। चिन्हित जगह से बाहर कंपनियां मलबा फेंकती हैं तो उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। NHAI ने बरसात को देखते हुए यह कदम उठाए हैं। जगह जगह मलबा फेंकने की वजह से सड़क से निचले क्षेत्रों में बाढ़ आने के हालात बने हुए हैं। इन्हें देखते हुए यह निर्देश जारी किए गए हैं। NHAI के क्षेत्रीय अधिकारी अब्दुल बासित ने बताया कि फोलेन पर मलबे के ढेरा बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। प्रदेश में कालका, शिमला, शिमला मटोर, कीर्तपुर, मनाली, पठानकोट, मंडी और पिंजौर, नालागढ़ समेत अन्य NH पर यह आदेश लागू रहेंगे। ऊना में 30 साल बाद 24 घंटे में सबसे अधिक 166 mm बारिश। रेड अलर्ट के बीच प्रदेश में बारिश ने तबाही मचा दी। एक ही दिन में बारिश के कई रिकॉर्ड भी टूट गए। ऊना जिले में 30 साल बाद 24 घंटे में सबसे अधिक 166 मिलीमीटर बारिश हुई है। शिमला में भी 5 साल बाद एक दिन में 79 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। ऊना में वर्ष 1993 में 188 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जबकि राजधानी शिमला में वर्ष 2018 में सबसे ज़्यादा 118 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई थी। कोयलू में अज्ञात हमलावरों ने बुजुर्ग दंपति पर किया हमला, महिला की मौके पर मौत। शिमला जिले के पुलिस चौकी जांगला के अंतर्गत कोहलू में एक बुजुर्ग महिला की हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। हत्या आरोपियों ने महिला के पति पर भी जानलेवा हमला किया, लेकिन वो किसी तरह बच गया। वहीं पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थाना पंचायत के जाड़सा गांव का बुजुर्ग प्याशुराम 60 वर्षीय अपनी पत्नी धनपति 65 वर्षीय के साथ गांव से काफ़ी ऊंचाई पर कोहलू नामक स्थान पर अपने बगीचे में रहते थे। बुजुर्ग प्याशुराम के दो बेटे हैं जो जाड़सा गांव में ही रहते हैं तथा प्याशुराम अपनी पत्नी के साथ कोहलू में अपने बगीचे में रहता था। बता दें कि बीती रात अज्ञात हमलावरों ने प्याशुराम तथा उसकी पत्नी धनपति पर जानलेवा हमला किया, जिसमें धनपति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्याशुराम को मृत समझकर हमलावर मौके से भाग गए। दूसरी ओर बुजुर्ग प्याशुराम को बाद में जब होश आया तो उसने लोगों को घटना की जानकारी दी। हादसे में मृतक धनपति को गले व आँखों में चोट आई हैं, जबकि पति प्यांशुराम को भी काफ़ी चोटें आई हैं, जिस अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर जाकर महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शिमला भेज दिया है। झाकड़ी और रामपुर परियोजना में उत्पादन ठप, 8 राज्यों को नहीं हुई बिजली आपूर्ति। SJVNL के 1500 मेगावाट के नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट और रामपुर 412 मेगावाट प्रोजेक्ट बायल में विद्युत उत्पादन ठप हो गया।
सतलुज नदी में सिल्ट की मात्रा में भारी बढ़ोतरी होने से प्रबंधन ने एहतियात के तौर पर सभी विद्युत इकाइयां बंद की हैं। प्रोजेक्ट में रविवार सुबह 9 बजे से उत्पादन बंद है। उत्पादन बंद होने से प्रोजेक्ट से उत्तरी ग्रिड को बिजली मिलना बंद हो गई है। वहीं उत्पादन अधिक दिनों तक बंद रहने से उत्तरी ग्रिड से जुड़े राज्यों में विद्युत संकट गहरा सकता है। SJVN प्रबंधन ने लोगों से सतलुज के किनारे न जाने की अपील की है। हिमाचल में आज भी ऑरेंज अलर्ट। मनाली में हैवी रेन का 52 और सोलन में 9 साल का रिकॉर्ड ब्रेक। 800 सड़कें बंद। हिमाचल प्रदेश के मनाली और सोलन में बारिश ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। पिछले 24 घंटे में मनाली में 131.3 मिलीमीटर और सोलन में 107 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इससे पहले इन दोनों शहरों में 9 जुलाई 1971 को 105.1 मिलीमीटर और 17 जुलाई 2015 को भी 105 मिलीमीटर बारिश का रिकॉर्ड था। प्रदेश में लगभग 35 घंटे तक हैवी रेनफॉल हुआ है। इससे राज्य के सभी नदी नाले उफान पर हैं। ज़्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। खासकर ऊना, मंडी, कुल्लू, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा ज़िले में बहने वाली नदियां रौद्र रूप धारण कर चुकी हैं। हिमाचल में जानलेवा बारिश लील गई 12 जिंदगियां, 3 लापता, 11 घर जिम्मेदार। हिमाचल में बारिश के रेड अलर्ट के बीच पिछले कल बारिश ने 12 लोगों की जान ले ली, जबकि 3 लापता हो गए। इनमें से 3 मौतें शिमला जिला के कुमार सेन की मधावनी पंचायत के पन्नीवली गांव में घर के ऊपर मलबा गिरने से हुई है, जबकि शिमला के रजहाना में भी घर के ऊपर मलबा गिरने से एक युवती की मौत हो गई, जबकि एक बुजुर्ग महिला लापता है। इसी तरह ठियोग के बांगड़ा गांव में 2 लोग अपनी जान गंवा बैठे। वहीं जुब्बल में 1 तथा शिमला शहर में भी 1 मौत दर्ज की गई। इसके अलावा श्रीखंड में लापता हुए मध्य प्रदेश के 2 श्रद्धालुओं के शव भी पिछले कल बरामद कर लिए गए हैं। वहीं भूस्खलन के कारण 1 मौत चंबा जिला के ग्राम पंचायत मलहुई में हुई है। भूस्खलन के कारण ही कुल्लू जिला के लंका बेकर में भी 1 महिला की मृत्यु हुई है। HRTC के 876 रूट ठप, 403 बसें फंसी, बारिश में थमे गाड़ियों के पहिए, ड्राइवर कंडक्टरों के लिए एडवाइजरी जारी। भारी बारिश के कारण हिमाचल में HRTC समेत निजी बसों के पहिए थम गए। इसके कारण प्रदेश भर में यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई है। HRTC से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश भर में HRTC के 806 बस रूट प्रभावित हुए हैं। इन रूटों पर बसें नहीं चल पाई, ऐसे में प्रदेश के हजारों लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं जगह जगह भूस्खलन के कारण HRTC के 403 बसें फंस गई है। भारी बारिश को देखते हुए HRTC प्रबंधन ने चालक परिचालकों से आग्रह किया है कि सावधानीपूर्वक बसें चलाएं ताकि किसी प्रकार का हादसा पेश न आए। HRTC प्रबंधन की ओर से चालक परिचालकों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। HRTC की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि यदि रूट पर चलते हुए ज़्यादा बारिश हो जाए तो बस को किसी सुरक्षित स्थान पर खड़ा कर लें, बस को जबरदस्ती पार करने की कोशिश न करें। तो ये हैं आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।